गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबा में, जो हमारा शो है, आपके लिए बनता है। इस शो में आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं हम। वेडनेसडे या थर्सडे यानी बुधवार या गुरुवार को कम्युनिटी पोस्ट चले जाता है यूट्यूब पर, वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे यहां पर दे दें जितना हो सके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। काफी दिनों से मैं सोच रहा हूं इनके बारे में कि क्या है ये गेमिंग स्मार्टफोन्स, क्यों इन्हें अलग से इस तरह से ब्रांडिंग दी जाती है, नॉर्मल फोन और इनमें क्या अंतर है, और क्या 40-50 हज़ार रुपये खर्च करने चाहिए इन गेमिंग स्मार्टफोन्स पर, क्या कॉम्प्रोमाइजेस है यहाँ पर। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, आपके कॉमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ। कॉमेंट करके बता दीजिए आपको क्या देखना है इस सीरीज में। कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में या फिर आगे इस सीरीज में हम अगले एपिसोड्स में बात करें आपके जितने टॉपिक्स हैं उनके बारे में, आपके जो चॉइस के टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में कि क्या होता है ये गेमिंग स्मार्टफोन। अभी नॉर्मल फोन एक मेरे सामने रख दीजिए और एक गेमिंग स्मार्टफोन रख दीजिए सामने, कैसे मैं पहचानूंगा कि कोई ये गेमिंग स्मार्टफोन है? सबसे पहले एकदम ही रंग बिरंगा फोन होगा जिसमें RGB लाइटिंग वगैरह होगी, कुछ और एडिशनल फीचर्स होंगे साइड में जैसे कि एयर ट्रिगर, शोल्डर बटन्स इत्यादि। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एक्चुअल में जब आप गेमिंग करने की कोशिश करते हैं तब आपको थोड़े एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं बिना कोई एक्सेसरी खरीदे। अब नॉर्मल स्मार्टफोन में आप देखिए एक जगह वॉल्यूम बटन होगा, पावर बटन होगा, उसके अलावा मोस्टली साइड पे ज़्यादा कोई बटन आजकल आते नहीं है। अब कुछ कुछ जगह पे आपको मिल जाएगा एक बिक्सबी बटन कुछ सैमसंग फोन में, कुछ कुछ जगह पे एक और कॉन्फ़िगरेबल बटन दे देते हैं आपको, उसमें आप कुछ भी चेंज करके लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ ट्रिपल टैप एक्शंस वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कोई बटन्स तो नहीं होते, लेकिन गेमिंग स्मार्टफोन में उस स्पेस का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर आपको ऐसे टच सेंसिटिव बटन्स मिल जाते हैं जिसके द्वारा आप गेमिंग करते समय शूटिंग वगैरह के लिए आसानी से मतलब आपको ग्रिप मिल जाती है और शूटिंग वगैरह आसानी से हो जाती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे यूजर्स हैं इसके, कुछ कुछ गेम्स में आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, नाइट्रस यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी कन्फिगरेबल चीज़ होती है। तो आजकल नए नए जितने गेमिंग फोन्स आ रहे हैं उसमें अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है इसमें, जैसे कि लेफ्ट साइड वाले को आप अलग से कर सकते हैं, राइट साइड वाले को आप अलग से कन्फिगर कर सकते हैं, और उनमें भी आप ऐसे अलग अलग जेस्चर भी लगा सकते हैं, जैसे स्वाइप करेंगे तो कुछ और होगा, टैप करेंगे तो कुछ और होगा, इस तरह की चीज़ें होती है उसमें सारी। तो बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं इसमें। इसके अलावा उस पर ध्यान होता है परफॉर्मेंस पे। तो गेमिंग स्मार्टफोन्स में हमने ये देखा है, काफ़ी सारे देख लिए, अभी तो ब्लैक शार्क आ चुका है, एसूस का गेमिंग फोन, ROG फोन सीरीज देख लिए हमने, इन सब में हमने ये देखा है कि कूलिंग पर बहुत ध्यान होता है, परफॉर्मेंस पर बहुत ध्यान होता है। किसी एक तरह का गेमिंग मोड दे देते हैं, मैक्स परफॉर्मेंस मोड दे देते हैं जिसमें स्मार्टफोन थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक हो जाता है, और आप ट्राई कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल जाए उसमें, कोई भी लैग स्टटर वटर की प्रॉब्लम ना आए गेमिंग करते समय। तो ये मेन चीज़ें हैं, बट इसके अलावा कॉम्प्रोमाइजेस क्या है यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गेमिंग स्मार्टफोन लेने से आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी नॉर्मल फोन ले लीजिए आप, जैसे भी अभी स्नैपड्रैगन 865 आज का प्रोसेसर है लेटेस्ट, अभी 865 प्लस ROG फोन 3 में आ चुका है मुझे पता है, लेकिन चलो पकड़ के चलो कि 865 सीरीज है ये सबसे पावरफुल है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप Realme X50 Pro भी ले सकते हैं, iQOO 3 ले सकते हैं, OnePlus 8 भी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं ROG फोन 3 जिसमें आपको सबसे बेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। अब बाकी स्मार्टफोन को देख लीजिए आप, वजन देख लीजिए उनका, और ROG फोन 3 का वजन देखिए, 240 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो ROG फोन 3 जब आप इस्तेमाल करेंगे लैंडस्केप मोड में इस्तेमाल करके देखिए, एकदम परफेक्ट लगता है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हाथ में इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें, ऐसे इंबैलेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेमिंग वगैरह करते समय मजा आ जाता है। लेकिन आप पोर्ट्रेट मोड में उसी स्मार्टफोन को इस्तेमाल करके देखिए, 5 मिनट के अंदर हाथ दर्द करना शुरू कर देगा। आप ऐसे कुछ लोग जिम वगैरह जाते होंगे, बहुत वर्कआउट करते होंगे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मुझे इनफैक्ट आईफोन जो बड़ा वाला होता है, आईफोन XS वाले से इसकी आईफोन जो होते हैं वो वाला फोन भी काफ़ी भारी लगता है, हाथ दर्द करने लगते हैं। तो एंड्रॉयड फोन तो छोड़ ही दो, वो तो मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़े हो चुके हैं, और वजन के मामले में आप देख लो ये गेमिंग स्मार्टफोन्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही भारी लगते हैं मुझे, वर्टिकल में तो मेरे से इस्तेमाल होते ही नहीं है वो, लेकिन गेमिंग करते वक्त बिल्कुल मज़ा आ जाता है, ये मैं मानूंगा। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज है इसका। इसके अलावा पिछले कुछ गेमिंग स्मार्टफोन्स में हमने ये देखा है कि कैमरा बहुत ही मतलब वीक रहता है, इतना कोई खास नहीं मिलता है। ROG फोन 3 एक एक्सेप्शन है इसमें, काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखी है, कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी उसमें। अब बस यार ये थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता कभी कभी कि ये मतलब अलग से इस तरह जो गेमिंग की ब्रांडिंग दे रहे हैं आपको, उससे आपका कितना फ़ायदा हो रहा है। अब मैं पर्सनली तो इतना गेम नहीं करता हूँ जितना मतलब आप में से कुछ लोग करते होंगे। अब मैं 8-8 घंटे दिन में बैठ के PUBG वगैरह नहीं खेलता हूँ, जब स्मार्टफोन की टेस्टिंग के टाइम आती है तब ऑब्वियसली हम लोग खेलते हैं ये सारे गेम्स, लेकिन उसके अलावा दूसरे गेम खेलते हैं हम लोग टाइम पास के लिए। एंड्रॉयड पे इतने सारा गेमिंग नहीं होती हमसे, अब मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कुछ कुछ गेम्स हैं, कुछ कॉन्सोल है, तो इन पर हम ज़्यादा गेमिंग करते हैं रादर देन एंड्रॉयड पे बैठ के पूरा दिन गेम करना। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि फोटोग्राफी में और गेमिंग में
एक सिमिलैरिटी है जो ये कहा जाता है कि द बेस्ट कैमरा इज द वन विथ यू, यानी कि सबसे बढ़िया कैमरा कौन सा है अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके पास में अभी है वो सबसे बढ़िया कैमरा है। क्योंकि क्या है, आप हर जगह अपना DSLR बड़ा वाला तो ले नहीं जा सकते, स्मार्टफोन हर जगह आप लेके जा सकते हैं, तो फिर आपका बेस्ट कैमरा क्या हो गया, जो आपके पास में है। अगर DSLR हर जगह नहीं ले जा सकते, पीठ दर्द कर रही है आपकी, आप छोड़ दिए घर पे कभी, तो आपका फोन तो है, तो वो आपका बेस्ट कैमरा हुआ। उसी तरह मैं कहूँगा कि बेस्ट गेमिंग डिवाइस भी वो है जो आपके पास हमेशा रहेगा। अब मेरे पीछे जो PS4 है वो तो मैं हर जगह लेके नहीं जा सकता, अगर लेके चला भी गया तो कहाँ हर जगह डिस्प्ले मिलना है जहाँ पर मैं कनेक्ट करके गेमिंग करूँ। तो उसके कारण क्या होता है, जब स्मार्टफोन मेरे हाथ में उस पर ही मैं गेम्स खेलूंगा। इसीलिए ये गेमिंग फोन की एक नीश है कि पोर्टेबल गेमिंग करना चाहते हैं आप तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे देख लीजिए इतने सारे अच्छे अच्छे गेम्स हैं, ये सारे PlayStation के गेम्स हैं, कुछ Nintendo 3DS के भी गेम्स हैं, इसमें एक से एक बढ़िया टाइटल्स मिल जाते हैं आपको इन कॉन्सोल्स पर। लेकिन क्या आप Android पर यही चीज़ कह सकते हैं? थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि Android पर अगर गेमिंग की बात करें तो कितने गेम्स सामने आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Android पर गेम्स कम है, Android पर बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, बस क्वालिटी गेम्स कितने हैं। PUBG मोबाइल एकदम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी गेम है, लेकिन आप उसके ग्राफिक्स वगैरह देख लीजिए, मतलब वो मुझे नहीं लगता कि वो एकदम हाई ग्राफिक्स या फिर एकदम टॉप क्वालिटी विजुअल्स के लिए जाना जाता है, वो अच्छे गेम प्ले के लिए जाना जाता है। मल्टीप्लेयर गेम है जो स्मार्टफोन पे चलता है और उसमें जो एडिक्टिव फील होती है ना, वो कि यार मैं अभी एक और गेम खेल लूँ, एक और राउंड खेल लूँ और फिर मैं जीत जाऊँगा, ऐसा वाला जो आता है ना फीलिंग, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे विजुअल क्वालिटी वगैरह उतनी कोई खास नहीं है। एंड्रॉयड पे है दूसरे गेम्स भी जो अच्छे हैं हैवी वाले, लेकिन कितने ही हैं। क्या डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए इन सारे गेम्स के लिए? पर्सनली मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा यूज़ केस वैसा नहीं है। आपका यूज़ केस थोड़ा अलग हो सकता है ये मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं देखूँ मेरा 90% यूज़ क्या होता है स्मार्टफोन का, फ़ोन कॉल्स करना, मैसेज करना, सोशल मीडिया पे जाना और YouTube वगैरह चेक करना। YouTube स्टूडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है मेरे लिए, उसमें सारे हमारे YouTube के जितने भी नंबर्स होते हैं, एनालिटिक्स, व्यूज़ कितने आए, कमेंट किसने किया, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये सारे ऐप्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग दिन में काम करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट में भी कहा है इसके बारे में कि फ़ोन का प्रायोरिटी जो होना चाहिए आपके यूज़ के बेसिस पे होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे, और गेमिंग दिन में कर लूँगा तो मैं 1 से 2 घंटे गेमिंग कर लूँगा मैक्सिमम, उससे आगे समय नहीं मिलता है क्योंकि नौकरी है सबकी और यहाँ पर बहुत सारा काम होता है करने के लिए, तो पूरा दिन बैठ के हम गेम तो नहीं खेल सकते। तो मेरे यूज़ केस के लिए ये गेमिंग स्मार्टफोन शायद एकदम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आपके लिए हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल रहा है, 12 GB रैम वगैरह मिल रहा है किसी और स्मार्टफोन में सस्ते में, तो मैं एक्स्ट्रा खर्च करके गेमिंग स्मार्टफोन क्यों लूँ, ये मैं सोच रहा हूँ। मेरे यूज़ केस के लिए वो तो नहीं है, लेकिन ये ऐसी नीश है जहाँ पर कुछ लोगों को डिमांड ज़रूर होती है, जो लोग टूर्नामेंट में वगैरह जाके खेलते हैं गेम्स वगैरह, या फिर कुछ लोग कैजुअली भी खेलते हैं ये गेम्स, उनको लगता है कि गेमिंग फ़ोन उनके नीड्स के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। बात तो उनकी सही है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी सोच लेना चाहिए कि आप इससे अच्छा कैमरा किसी और स्मार्टफोन में पा सकते हैं। अगर आप फोटोज़ वगैरह लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ें भी होती है स्मार्टफोन में, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, UI वगैरह होता है, वो शायद आपको किसी और स्मार्टफोन में पसंद आए, इन गेमिंग स्मार्टफोन्स का UI इतना शायद पसंद ना आए, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि सारे गेमिंग स्मार्टफोन्स में कस्टम स्किन होती है, उसमें देखिए वैसे इनिशियली तो बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऐप्स लोडेड आते हैं उसके आइकॉन्स, थीम्स वगैरह सब मैच करते हैं, लेकिन बाद में जो आप नए नए ऐप्स इंस्टॉल करेंगे वो शायद थीम में मैच ना करें, फिर उनको मैच करो, तो ये सारी चीज़ें सबके लिए नहीं है। मुझे पता है एक पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ लोग हैं जिनके लिए बहुत सही रहेगा ये, लेकिन काफ़ी लोगों को शायद इतना अच्छा ना लगे ये गेमिंग स्मार्टफोन। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर गेमिंग आपको करनी है तो जो कूलिंग वगैरह मिलती है इन स्मार्टफोन्स में, कुछ में हमने देखा है कि लिक्विड कूलिंग होता है, कुछ फ़ोन के अंदर एक पंखे जैसा सेटअप दिया जाता है। अब वो नूबिया के एक स्मार्टफोन में देखा था, वो स्मार्टफोन आप पकड़ लीजिए, उसमें जैसे ही आप मतलब कोई बेंचमार्क वगैरह आप चला देंगे, मतलब जैसे ही फ़ोन के CPU पे स्ट्रेस आता है या फिर गेम खेलना शुरू कर देंगे, ऐसे भर्र करके बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है उसमें। तो इस तरह के अजीब अजीब चीज़ें भी हमने थोड़ी बहुत देखी है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस फोकस है और जो कूलिंग पे फोकस है, वो एक चीज़ मैं कहूँगा कि भारत में बहुत काम आता है। क्योंकि क्या है, ये देश ऐसा है जहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे जगह पर रहते हैं, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स US वगैरह में टेस्ट होते हैं एकदम अच्छे ठंडे वेदर में, कुछ कुछ जगह पर टेस्टिंग करके आते हैं, यहाँ पर इतना अच्छे नहीं चल पाते हैं। हमने हीटिंग वगैरह के इशू भी देखे बहुत सारे स्मार्टफोन्स में, लेकिन ये जो फोन्स बन के आते हैं इनमें बाय डिफॉल्ट कूलिंग की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो शायद वो उस कारण से अच्छे हों ज़रूर। तो इस डिबेट में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आपको गेमिंग स्मार्टफोन डेफिनेटली नहीं खरीदना चाहिए। अगर लगता है आप ज़्यादा देर गेम खेलते हैं तो ठीक है, बस ध्यान रखिए कि इनमें दूसरे कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। तो वैसे देखने में अच्छा लगता है, स्पेक्स बहुत अच्छे होते हैं,
सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप एक बार खरीदने से पहले सोच जरूर लेना कि मैं OnePlus 8 Pro जैसा स्मार्टफोन ले लूं जिसमें मेरे को बाकी सारे फीचर्स अच्छे मिलेंगे और गेमिंग भी अच्छी हो जाएगी, या फिर ROG Phone 3 जैसा फोन लो जिसमें गेमिंग बहुत ही अच्छी है, कैमरा वगैरह भी अच्छे है, लेकिन फोन बहुत भारी है, एर्गोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं है और यूज करते टाइम में थोड़ा ऐसे लगेगा कि नहीं यार इससे थोड़ा हल्का होता तो अच्छा होता है, डे टू डे यूज के लिए ज्यादा सही लगता वो, तो ये जरूर सोचिएगा गेमिंग फोन खरीदने से पहले। लेकिन हाँ, अगर आप 8 घंटे गेमिंग करने वाले हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर तो बिंदास गेमिंग फोन ही लीजिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए शायद गेमिंग फोन परफेक्ट ना हो। तो चलिए अभी आपके सवालों के भी जवाब दे देते हैं। अभी आज जो है कम्युनिटी पोस्ट में काफी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, तो चलिए सबसे पहले सैयद मोहम्मद इरशाद का सवाल है, गेमिंग वही करेगा जिसके पास ज्यादा फालतू टाइम है, ज्यादातर लोग वैप नेट और सर्च में अपना बचा हुआ कीमती वक्त गुजार देते हैं, अच्छे मोबाइल में काम चलाने वाले गेम का ही मजा लिया जाता है, सही बात है, बाकी अपना अपना शौक है। अभी आप अगर गेमिंग नहीं करते हैं तो ठीक है, मतलब लेकिन जो लोग गेमिंग करते हैं उनको मतलब इस तरह से ये कहना भी सही नहीं रहेगा कि मतलब आपके पास फालतू टाइम है ज़्यादा इसीलिए आप गेम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का शौक होता है तो कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं शौक के लिए, कुछ लोग खाना बनाते हैं, मतलब मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है, वैसे ये एक चीज़ मैंने पहले कभी कही नहीं है चैनल पे, लेकिन मैं अपने जो फ्री टाइम होता है उसमें काफ़ी नए नए डिश वगैरह ट्राई करते रहता हूँ, अलग अलग इंडियन रेसिपीज ट्राई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये नहीं कह सकते ना कि मेरे पास फालतू टाइम है इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ, सब नौकरी करने के बाद में रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। अब कुछ लोग गेमिंग करते हैं तो ठीक है, वो उनका व्यू पॉइंट है, लेकिन आपका पॉइंट भी सही है, अगर आपका यूसेज वैसा नहीं है जिसमें आप ज़्यादातर गेमिंग करते हो तो क्यों आप गेमिंग फोन लेंगे, आप नॉर्मल फोन ले लीजिए, इतने अच्छे अच्छे फोन से उसमें भी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा आपको और कैजुअल गेम्स खेलने के लिए तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनूप पेडनेकर, ये रेगुलर है हमारे, हर हफ्ते इनका सवाल मैं देखता हूँ, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड से आते रहा है इनका फीडबैक, सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमारे जो लॉयल व्यूअर्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे लगते हैं उनको बार बार नाम देख के। इनका कहना है कि गेमिंग स्मार्टफोन्स का वजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ROG Phone 2 और OnePlus 70 या फिर ROG 3 और OnePlus 8 Pro इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, 70 और 8 Pro में आप कोई भी गेम खेल सकते हैं और उसके अलावा रेगुलर यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए मैं गेमिंग स्मार्टफोन पर खर्च नहीं करूँगा, ऐसा अनूप जी का कहना है। पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्लीटली सही है, मैं बहुत मानता हूँ आपके व्यू पॉइंट को इधर पे, इनफैक्ट मैंने भी अभी कुछ देर पहले इसी की बात की थी, ROG Phone 3 240 ग्राम का फ़ोन है, यह ध्यान रख लीजिए, मतलब थोड़ा और वजन बढ़ जाएगा तो उसको डंबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो इतना मतलब भारी होते जा रहा है, एज इन लास्ट ईयर भी इसी टाइप का था उसका वेट, तो ये जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ इसीलिए किया क्योंकि उसमें बड़ी बैटरी दी है, आई थिंक 6000 mAh की बैटरी है, जहां तक मुझे याद है 6000 mAh की ही बैटरी है उसमें, तो काफ़ी हैवी बैटरी होने के कारण उसकी बैटरी लाइफ अच्छी चलती है, गेमिंग परफॉर्मेंस के टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं 2 घंटे गेमिंग खेल लूँ और पूरी बैटरी ड्रेन हो जाए, इस कारण से उन्होंने भारी फ़ोन बनाया है वो। लेकिन सही बात है, अगर आपका यूसेज वैसा नहीं है कि आप 8 घंटे गेमिंग कर रहे हैं दिन में तो फिर आप नहीं लीजिए गेमिंग फोन, ये तो मैं भी कहूँगा, पर्सनली मेरे लिए भी गेमिंग फोन्स नहीं है, लेकिन रिव्यू के लिए आते हैं तो टेस्ट तो करना पड़ता है, फिर मज़ा आ जाता है यूज़ करते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तेजस नेमाड का कहना है कि हर एक फ़ोन ऑलराउंडर होना चाहिए जिसमें कैमरा भी अच्छा मिल जाए, 2 एक्स्ट्रा कैमरा ना दिए हो तो भी चलेगा, बड़े गेम ठीक साथ ग्राफिक्स साथ चले और बैटरी लाइफ अच्छी हो, एमोलेड डिस्प्ले हो तो वो आज की नई तकनीक है वो भी अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन में सिक्योरिटी हो, बाकी स्पेसिफिकेशंस कम भी हैं तो किए तो चलेगा। अभी देखिए आपका व्यू पॉइंट सही है, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन वही है प्रायोरिटी पे होता है, अगर किसी को गेमिंग करनी ही है तो वो गेमिंग फोन ले ले। अब आजकल ROG Phone 3 ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि कैमरा इतना अच्छा नहीं है, मेरा उस फोन से बस यही प्रॉब्लम है मेनली कि बहुत भारी है मेरे लिए, लेकिन अदरवाइज काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, आप हमारा रिव्यू देखिए उसका कैमरा परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा कितना अच्छा है, और गेमिंग वगैरह में तो है ही वो आगे, तो ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी तरह से ऑलराउंडर फोन नहीं मिल रहा है वहां पर, बस हाँ बात से मैं सहमत हूँ जब आप कह रहे हैं कि आपके लिए ये शायद ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश चौधरी, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अब इनका कहना है कि गेमिंग के लिए लैपटॉप या पीसी बेस्ट है, उसमें गेम अच्छी तरह से आप फील कर पाते हैं, और उसके अलावा मोबाइल की जो बात है उसमें गेमिंग स्मार्टफोन ये सिर्फ उन शौकीन लोगों के लिए है जिनके पास खूब समय के साथ खूब सारे पैसे भी हैं, लेकिन हर ब्रांड का गेमिंग स्मार्टफोन बनाने में रेस में बेबुनियाद है। सही बात है, सवाल पूछकर काफ़ी अच्छा लगता है और जवाब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, बेस्ट विशेस। ओके थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे आप हर हफ्ते आते हैं हमें अच्छा लगता है, उसी तरह से मतलब आपको भी अच्छा लग रहा है हमारा ये शो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आते रहें वापस। अगर आपने नया भी आज पहली बार ये शो देखा, आप नए व्यूअर हैं, तो भी आप आइए अगले हफ्ते, मैं कोशिश करूंगा कि आपका नाम याद रखूं और फिर आपको भी एक रेगुलर व्यूअर कहूं। ये मतलब शो आपके लिए बनाया बेसिकली जितना ऑडियंस है उनके लिए। तो चलिए अब सवाल का जवाब दे देते हैं इनका।
देखिए, आपने कहा कि जिनके पास बहुत पैसे हैं वही ये गेमिंग स्मार्टफोन ले, और जिनके पास समय, अब समय की बात अलग रखते हैं, क्योंकि क्या है, अलग अलग लोग अपना फ्री टाइम अलग अलग टाइप से यूज करते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं कुछ और करता हूँ, कुछ लोग गेमिंग करते हैं, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग चीज होते हैं, तो समय को अलग रख देते हैं एक डिस्कशन से। लेकिन पैसे की बात करें, आप कह रहे हैं गेमिंग के लिए लैपटॉप या पीसी ज्यादा अच्छा है। मैं मानता हूँ, ठीक है, लैपटॉप पीसी डेफिनेटली ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के गेम्स है उसमें, लेकिन उसमें खर्च भी देख लीजिए आप कितना है। गेमिंग स्मार्टफोन में आप 40-50 हज़ार में आप देख लीजिए, आपका फोन भी हो गया, आपके साथ में जितने गेमिंग वगैरह करने वो भी हो गया, कैमरा भी हो गया, सब कुछ एक डिवाइस से मिल रहा है। आप मैक्सिमम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं दिन में वो भी सोच लीजिए। मैं तो फोन ही यूज करता हूँ, लैपटॉप वगैरह कितना भी बोल लीजिए ऑफिस वगैरह के लिए है या जो भी काम में आता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा मेन डिवाइस जो है फोन है, ब्राउजिंग वगैरह के लिए। गेमिंग के लिए भी मैं मैक्सिमम टाइम मेरा पास फोन ही हाथ में रहता है, उसी में मैं गेम खेलना शुरू करता हूँ। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जिनके पास पैसे हैं वो तो मतलब महंगे स्मार्टफोन तो खरीदता ही है, श्योर। गेमिंग स्मार्टफोन्स कोई सस्ते नहीं है ऐसे अलग से, 30-50 हज़ार के बीच में देखे हैं मैंने ज़्यादातर आजकल। लेकिन ये भी कहना सही नहीं रहेगा कि सिर्फ पैसे वाले ही ले सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग OnePlus Nord जैसे स्मार्टफोन्स ले रहे हैं। अब गेमिंग फोन जो पिछले साल मैंने 3-4 देखे थे 30 हज़ार के आसपास थे, 30-40 के बीच में। अब जो OnePlus Nord खरीद सकता है वो थोड़े और पैसे खर्च करके गेमिंग फोन भी ले सकता है। तो पैसे वाला आर्ग्यूमेंट से मैं इतने से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, समय की बात अगर आप कर रहे हैं, हाँ जी, अगर आप पूरा दिन गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग फोन लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, वो बात आपकी सही है। ये मतलब मैंने पहले अलग रख दिया था डिस्कशन से, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर जाता है मेन पॉइंट से, कि मतलब जो ये लोग गेमिंग वाले लोग अलग होते हैं, ये अलग, इनके पास फ्री टाइम पड़ा रहता है फालतू का, इसीलिए ये लोग ऐसे करते हैं। ऐसा भी नहीं है, अलग अलग लोग हैं, अपना फ्री टाइम जैसे भी यूज़ करें वो उनकी इच्छा है। अब उनको लगता है कि गेमिंग करना है तो करने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकबाल हमदम का कहना है, आई एम प्रेजेंट सर। वेल, वेरी गुड टू हैव यू इकबाल जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार थोड़ा सवाल भी पूछ लीजिए, जवाब देने में अच्छा लगेगा मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले शो में आपका जरूर सवाल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल सवा का कहना है कि मैं तो कहता हूँ कि कोई भी कंपनी 20 हज़ार के रेंज में गेमिंग फोन लाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शौक को पूरा करने के लिए 40-50 हज़ार रुपये में खर्च नहीं कर सकता। मैं सहमत हूँ इससे, लेकिन आप अगर देख लेंगे ना कि 30 हज़ार के आसपास गेमिंग फोन तो आ चुका था, होपफुली 20 के रेंज में भी आ जाए। प्रॉब्लम ये है ना कि गेमिंग फोन अगर कोई भी कंपनी बना रही है तो उसमें लेटेस्ट प्रोसेसर ना हो तो कोई खरीदेगा नहीं। तो 865 प्रोसेसर अगर देना है तो 20 हज़ार रुपये में कैसे कोई कंपनी देगी, घाटा हो जाएगा उससे। अब 855 में पॉसिबल है, अभी भी मैं कह सकता हूँ कि अगर पिछले साल का स्नैपड्रैगन 855 कोई देने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल से 20-25 में दे सकते हैं उसको अलग टाइप की गेमिंग कस्टमाइजेशन देके। लेकिन अंडर 20 तो अभी बहुत मुश्किल है यार। आप स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देके किसी भी फोन को गेमिंग फोन नहीं कह सकते ना, वो थोड़ा मार्केट में उसका नाम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़े मुश्किल प्रॉब्लम है अभी के लिए, तो आपको रेगुलर फोन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होता है, अभी दाम कम हो जाए तो और अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश कुमार का कहना है कि ASUS ROG Phone 3 द गेमिंग फोन, हमारा वीडियो रिव्यू जरूर देखिए, उसमें सब डिटेल में लिख दिया है, तो आपने जो कहा है द गेमिंग फोन उसका रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र सैनी का कहना है कि मेरी गेमिंग रिक्वायरमेंट 0 है, फोन परफॉर्मेंस पावरफुल चाहिए जिसमें नेटवर्क का कोई इशू ना हो, ब्राउजिंग अच्छे से हो विदाउट बफरिंग। मेरी मेन रिक्वायरमेंट है YouTube और DMAT अकाउंट को प्रॉपर से यूज कर सकूं। मैंने फोन चूज कर लिया है Nord और Realme X2 Pro, बेस्ट कौन सा रहेगा? इन दोनों में से कोई आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इस यूज के लिए। इन दोनों में आपको ये लेना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। Realme X2 Pro में 855 प्लस है और वो फास्ट चार्जिंग की, उसके 0-100% आधे घंटे में चार्ज हो जाता है, ये इसकी खासियत है। अब Nord में आप देख लीजिए, आपको ऑक्सीजन OS का क्लीन UI मिल रहा है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, स्पैम नहीं है, और उसमें ये कहूंगा कि ऑलराउंडर फोन है, 5G का सपोर्ट भी है, तो ये उसके दो एडवांटेजेस है। तो आप देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए इनमें से, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो Realme X2 Pro है, लेकिन आपके यूज केस के लिए OnePlus Nord भी एकदम ही सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोइन खान का कहना है कि आई एग्री विथ यू, नाइस, थैंक यू। टॉप मूवी टॉप क्लिप, अच्छा नाम है इनका, कहना है कि आईफोन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो गेमिंग का ढिंडोरा नहीं पीटता, लेकिन चाहे जो करो। अच्छा ठीक है, आईफोन के बारे में एक चीज़ है ना कि हर साल उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने ये देखा है कि कंसिस्टेंटली एंड्रॉयड के टॉप प्रोसेसर से वो आगे रहते हैं। अब किस तरह से एप्पल कर रहा है ये मुझे नहीं पता, आप अगर देख लेंगे तो 4 साल पुराने आईफोन पर भी आज के लेटेस्ट गेम्स चल जाते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। भले ही हाँ, ये मैं कहूँगा कि बैटरी लाइफ शायद उतनी अच्छी ना हो उतने पुराने आईफोन की, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो गेम चलेगा ही नहीं या फिर क्रैश कर जाएगा वगैरह वगैरह। ये आजकल उनका जो दबदबा बना हुआ है ना परफॉर्मेंस के मामले में मोबाइल के दुनिया में, वो काफ़ी मानने लायक है। मतलब इंजीनियरिंग टीम कितनी अच्छी होगी, आप सोचिए कि इतने साल में हर एक साल वो नया नया प्रोसेसर निकालते हैं जो हर एक साल एंड्रॉयड से आगे कंसिस्टेंटली रहता है। बहुत मुश्किल है ये, बहुत कॉम्पिटिशन टफ है, तो वो चीज़ तो माननी पड़ेगी उनकी। और गेमिंग के मामले में जितने एंड्रॉयड में अच्छे गेम्स हैं, आईफोन के साइड में भी उतने अच्छे अच्छे गेम्स मिल जाएंगे आपको। तो हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि चलो गेमिंग फ़ोन मुझे ख़रीदना है और मुझे आईफोन लेना है गेमिंग के लिए ही सिर्फ,
तो मैं शायद रेकमेंड ना करूं, मतलब गेमिंग के लिए उससे सस्ता डिवाइस आपको आईपैड मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मतलब एंड्रॉयड के जो गेमिंग फ़ोन्स हैं उनके जगह पे मैं आईफोन खरीदना चाहता हूं सिर्फ गेमिंग के लिए, तो भी मैं शायद ये नहीं कहूंगा कि मतलब आईफोन की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, ओवरऑल जो फील, लुक एंड फील, यूआई वगैरह बहुत सही है। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस चाहिए ना, तो मैं 100% आईपैड रेकमेंड करूँगा, मैं आईफोन नहीं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं उसमें, स्क्रीन बड़ी होती है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आईपैड मिनी आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा डिवाइस है वो। आकाश सिंह का कहना है कि मुझे तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम देखना पसंद है, कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन होगा अंडर 30 के, गेमिंग नहीं करना है। वन प्लस नॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, उसमें क्लीन यूआई वगैरह भी है, जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप दूसरा कोई स्मार्टफोन चाहते हैं इसी प्राइस रेंज में, तो आप काफ़ी सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। आप एक्चुअली Redmi K20 Pro भी देख सकते हैं जिसमें ऑल स्क्रीन डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। Asus 6Z काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक रहता है, लेकिन अगर वो इन स्टॉक आएगा तो वो भी आप ले सकते हैं। 855 प्रोसेसर है दोनों स्मार्टफोन में और ऑल स्क्रीन डिज़ाइन है, तो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है तो फिर उसमें कोई नॉच होल पंच का प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों फोन्स में से आप देख लीजिए। सोफियान म्यूजिक एंड टेक्सटार का कहना है, आपने सही टॉपिक चॉइस किया है इस बारे में, मेरे हिसाब से गेमिंग फ़ोन पर पैसे खर्च करना सही नहीं है, पर जिनके पास होते हैं वो अच्छे प्रोसेसर वाले फ़ोन खरीद कर अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। सही है, जिनको एकदम मतलब 10-12 घंटे दिन में गेमिंग करनी है, काफ़ी सारे लोग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, टूर्नामेंट में जाते हैं, उनके लिए गेमिंग फ़ोन बेस्ट है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जैसे आपने कहा नॉर्मल फ़ोन में भी काम हो जाएगा। नरेश सहारन का कहना है, भाई साहब आपकी बात से मैं से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं पबजी गेम में पिछले 2 साल से खेल रहा हूं और उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। अभी जैसे मैंने OnePlus 8 परचेस किया है स्पेशल गेम के लिए, भाई साहब शौक की कोई कीमत नहीं होती। दूसरी बात जो आपने कहा 40-50 हज़ार रुपये वाली, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बात से सहमत हूं, ओके। मैंने भी जो मोबाइल लिया है मैंने कमा के लिया है, तो शौक पूरे करो अपने पैसे से, शौक पूरे करो अपने पैसे से, वो तो सही बात है। आपकी हॉबी है गेमिंग, आप उस पर खर्च कीजिए, डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर डिबेट इस बात की चल रही है कि आपको रेगुलर फ़ोन है जैसे OnePlus 8, वो गेमिंग तो बहुत अच्छी कर सकते हैं लेकिन वो अपने आप को गेमिंग फ़ोन ऐसे ब्रांड नहीं करता है, वर्सेस ROG Phone 3, इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो आपके यूज़ केस से अगर आप पबजी में इतने इन्वेस्टेड हैं तो शायद आपके लिए ROG भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हो, लेकिन अगर आप OnePlus 8 से सहमत है तो बिल्कुल भी सही, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत ही ताकतवर है और क्लीन यूज़र इंटरफेस भी है उसमें, जो ऑक्सीजन ओएस की ताकत है। बस यही मैं कह दूंगा कि चलो मतलब आप 40,000 रुपये आपने उसमें खर्च कर ही दिए हैं, तो उस प्राइस रेंज में आपको थोड़ा और पैसा खर्च कर लेंगे तो ROG Phone 3 जैसे ऑप्शन भी मिल जाएंगे मार्केट में, जो और ज़्यादा ताकतवर है, पबजी के लिए और ज़्यादा अच्छे हैं। बस बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप OnePlus 8 से खुश हैं तो आपको ROG Phone की ज़रूरत नहीं है, किसी और गेमिंग स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एब्सोल्यूट बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए होती है, कूलिंग वगैरह भी बेस्ट चाहिए होती है और गेमिंग रिलेटेड फीचर्स होते हैं जैसे ट्रिगर बटन्स वगैरह, वो सब चाहिए होते हैं, तो उनके लिए ROG Phone 3 जैसा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आपके सारे सवाल जवाब तो मैंने दे दिए, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ, कमेंट करके बता दीजिए आपको कैसा लगा, अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। साथ में इस शो के साथ बने रहिए, हर सैटरडे ये शो आता है लगभग 12-1 बजे के आसपास, तो अगले सैटरडे भी आ जाइए, आप एपिसोड हम एक और कर लेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। टेक आपकी जुबा में का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए।